1936 का बना हुआ ये खूबसूरत सा रेल रूट है, मीटर गेज के ज़माने के पेट्रोलियम टैंकर्स, खूबसूरत से रेक और ये लोकोमोटिव्स। राजपूताना टाइम की कुछ यादों को ताज़ा करते हैं। कभी सोचा है आपने कि छोटी लाइन की ट्रेनों में यात्रा करना कैसा लगता होगा? जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों हमें फिलहाल मावली जंक्शन में, और अभी जो खूबसूरत सी ट्रेन आपने देखी ना, उसी में सफ़र करने वाले हैं। इस रूट को आज एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि गोरम घाट बहुत ही खूबसूरत राजस्थान का घाट सेक्शन है। तो भाई इसके बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, पर आज मैं इस रूट को आपको ट्रेन से ही दिखाने वाला हूँ। मावली से मारवाड़ हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं, लगभग 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और आज छोटी लाइन की ट्रेनों को आप देखेंगे। खैर हमारे पीछे यहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रेन खड़ी है, उसके उस पार है हमारी छोटी लाइन की ट्रेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई, और ये है मावली जंक्शन की जानकारी। भाई जो लोग यहाँ से हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए, जरूर जल्दी से चला जाए, ट्रेन बोर्ड कीजिए और आगे एक सफ़र को शुरू करते हैं। यहाँ आज के हैं ट्रेन के अंदर, और चलिए देखते हैं कैसा है इसका इंटीरियर। काफ़ी पुराने ज़माने की ये गाड़ी है, 1936 में रूट खुला था, तब की ऑलमोस्ट कोचेस हैं, और यहाँ पे आपको लकड़ी की सीट वगैरह ही देखने को मिलेंगी। बाकी यहाँ पे हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ग्रुप है, तो सामान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है, और ये टू टीयर की आप सीट्स कह सकते हो, लेकिन हाँ लकड़ी की बनी हुई है। और मेन चीज़ देखिए साइड लोअर साइड पर नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे कोचेज हैं, और वैसे ही आपको पुराने ज़माने के लाइट्स, फैंस, ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। भाई ये सभी चीज़ें देखने के बाद, मतलब ये वाले स्विच, कभी अगर आप लोगों ने 2000-2005 के तक ट्रैवल किया है ना ट्रेन में, तो आपको ये सभी चीज़ें याद होंगी। और भाई देखो यहाँ के तो ग्रिल्स भी टूट गए हैं, काफ़ी पुराने कोचेज हैं, लेकिन पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए इससे अच्छा जरिया नहीं मिल सकता है। और भाई नज़ारे तो हम दिखाएंगे और रूट्स भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं आपको इंडिया एक्सप्लोर कराने के लिए। इसी के साथ 7:25 पे अपना डिपार्चर होता है मावली जंक्शन से। केवल लास्ट प्लेटफॉर्म मीटर गेज ट्रेन के लिए है, बाकी सारे के सारे प्लेटफॉर्म ब्रॉड गेज ट्रेन के। और ट्रैक की चौड़ाई आप देख लीजिए, कितने छोटे छोटे बने हुए हैं मीटर गेज ट्रैक्स। वैसे एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि हमारे साथियों ने मावली स्टेशन के बाहर से टिकट, पोहे और कचौरी का इंतज़ाम कर दिया था, क्योंकि हमें पता था कि सूट पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। और देखते ही देखते हम लोग नाथ द्वार पहुँच चुके थे। हम लोग आज के अपनी ट्रेन के दूसरे हॉल्ट नाथ द्वार, जो कि श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए मशहूर है। आप लोगों को बता दूं हमारी ट्रेन का जो पहला हॉल्ट था वो था थाना मोगाला रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन था, पर आज समय कम है और चीज़ें दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, इससे मैंने सोचा इस डिटेल को थोड़ा शॉर्ट रखा जाए, और जो मेन सेक्शन है घाट सेक्शन उसे हम लोग मेनली रखेंगे। 150 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लेकिन जो घाट सेक्शन है वो 18 किलोमीटर्स का है। मैं चाहता हूँ मेनली उसी को फोकस किया जाए, बाकी यहाँ पे आपको पानी पीने की सुविधा और बाकी सभी चीज़ें मिल जाएंगी नाथद्वार रेलवे स्टेशन में। अब चला जाए अपने कोच के अंदर और आपको दिखाते हैं आगे की जर्नी। सामने जो आप सिग्नलिंग सिस्टम देख रहे हैं, इसे सेमाफोर सिग्नल्स कहते हैं। ये सिग्नलिंग अब बहुत ही कम रूट्स में यूज़ होती है, अब एकदम रेयर बचा है इंडिया में, और बाकी पार्ट्स में हमारी कंट्री के
तो इसे आप लोग जल्द ही मिस करने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे सभी रूट से अब ये चीज़ें हटती जा रही हैं। जैसे कि ये रूट काफ़ी पुराना रूट है, इसलिए इस रूट में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जितने भी ब्रॉडगेज रूट्स हैं ना, वहाँ आपको अब ये सिग्नल सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। थकान तो सबके अंदर थी और बारी बारी हम लोग थोड़ी थोड़ी देर सोए हैं और अपने सफ़र में आगे की ओर बढ़ते गए। यहाँ अपनी ट्रेन पहुँची है लगभग 10 बजे चारभुजा रोड, और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ हम लोगों ने आते आते 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय ले लिया है और ट्रेन ने 68 किलोमीटर्स की दूरी को तय किया है। और भी इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे खामली घाट, जहाँ से मेन घाट सेक्शन शुरू होगा गोरम घाट तक, फिर फुलाद होते हुए मारवाड़ तक के अपने सफ़र को आज तय करने वाले। स्टेशन काफ़ी शांत और खूबसूरत है। यहाँ पर देखिए पानी पीने की व्यवस्था कैसे की गई, बिल्कुल पुराने ज़माने की याद आती है। और नीम के पेड़ों के बीच में खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ लोग ट्रेन की छत में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बैठने के लिए, बल्कि सीटें काफ़ी खाली हैं, तो रेलवे के स्टाफ ने हटा दिया इनको यहाँ से। और ये देखिए ट्रैक चेंजिंग के लिए यूज़ होने वाली टेक्निक, ये भी काफ़ी अनोखी है। यहाँ से जो ट्रैक वगैरह हैं वो चेंज किए जाते थे, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म में जाएगी। और बाकी ट्रेन जब आने वाली होती है ना, तो उसी घंटी को बजा करके सबको सूचना दी जाती है कि भाई ट्रेन जो है वो अब आने वाली है, तैयार हो जाओ आप लोग। पाँच दे दो आलू बोंडे तो खैर जो हम लोगों ने अभी चारभुजा रोड से लिए ट्रेन के चलते चलते, स्वादिष्ट है काफ़ी, आप लोग के लिए भी रिकमेंड है। लेकिन उसके पास भीड़ बहुत लगी थी वेंडर के पास, क्योंकि इकलौता वेंडर था और पानी वगैरह के लिए कोई आपको सेल की बॉटल वगैरह तो नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आप वहाँ से अपनी बॉटल्स में भर जरूर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी को तय करके 11:25 पर हम लोग पहुँचे हैं खामली घाट रेलवे स्टेशन, जहाँ से मेन घाट सेक्शन अपना शुरू होता है। खामली काफ़ी खूबसूरत शहर है, यहाँ से उदयपुर के लिए आपको रोड कनेक्टिविटी भी मिल जाएगी। जितने भी लोग गोरम घाट और झरना और मंदिर सब घूमने आते हैं ना, तो यहीं पर वापस अपनी पैदल यात्रा को पूरा करते हुए यहाँ तक आते हैं और यहाँ से इस ट्रेन को वापसी के लिए बोर्ड करते हैं। तो अच्छा खासा रश यहाँ पे देखने को मिलता है और ट्रेन ने यहाँ आने में 4 घंटे का समय लिया है। तो एवरेज स्पीड जो है वो आप समझ सकते हो कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रही है। पानी पीने की व्यवस्था ये है कुछ, और अगर आपको ख़रीदना है कोई स्नैक्स या खाने पीने की चीज़ें तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी है वैसे खामली घाट रेलवे स्टेशन में, और यहाँ पर सफिशेंट टाइम मिलेगा आपको अगर चाय पानी और भुट्टे वगैरह स्नैक्स वगैरह खरीदने हैं। तो ऐसे खाने पीने की चीज़ें बस स्नैक्स आइटम ही मिलेंगे और यहाँ से अपना घाट सेक्शन जो है वो शुरू होता है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपको मानसून में देखने को मिलेंगे, साथ साथ ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे और झरने यहाँ पे खुल जाते हैं, इससे बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। आज बारिश नहीं है तब जाके इतना अच्छा प्रवाह यहाँ देखने को मिल रहा है, तो बारिश में तो मज़े ही आ जाते होंगे। दोस्तों वो रहा सामने गोरम घाट का रेलवे स्टेशन, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं उसी की तरफ। ट्रेन कई सारे ब्रिजेस को और खूबसूरत नज़ारों को पार करके वहाँ तक पहुँचती है, तो इस सफ़र को पूरा एंड तक देखिएगा, और हम लोग अभी इस पहाड़ से उस पहाड़ तक के अपने सफ़र को पूरा करेंगे। ये देखिए कैसे लोग यहाँ पे उतर के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं, पर ये बहुत गलत है जो ये हो रहा है यहाँ पे। बहुत गलत हरकत है जो लोग दरवाजों पे लटके हैं।
वाओ हो। वहीं पे मंदिर वगैरह है जहाँ पे लोग अभी उतरे थे, और वहीं से मैं आपको गोरम घाट का रेलवे स्टेशन दिखा रहे थे, और हम लोग अभी गोरम घाट के स्टेशन पहुँच चुके हैं। गोरम घाट रेलवे स्टेशन में तो भाई लंगूरों का आतंक है। यहाँ पे हम लोग गोरम घाट रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, और आप लोग पहले स्टेशन देख लो। ये ऐसा स्टेशन है जहाँ पे कोई आपको आसपास घर वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, और ज़्यादातर जो सैलानी है वो यहीं पे उतर चुके हैं। वो बंदरों का आतंक तो आप लोगों ने देखा। अगर आपको गोरम घाट घूमने आना है ना, तो इसके सिवा कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। आप यहाँ ना रोड से आ सकते हैं, ना और कोई साधन मिलेगा। एकमात्र साधन है ट्रेन, और ज़्यादातर सैलानी यहीं गोरम घाट रेलवे स्टेशन में उतर चुके हैं। और एक स्पेशल ट्रेन भी चल रही है जो कि सुबह 6 बजे मारवाड़ से छूटती है, केवल कामली घाट तक आती है वो ट्रेन। उससे का भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं, उससे आइए। वो लगभग 8 बजे तक आपको यहाँ पर छोड़ देगी, और फिर आप वापसी में इसी गाड़ी से जा सकते हैं जिससे अभी हम लोग जा रहे हैं मारवाड़ की ओर। अचानक से यहाँ पे हम लोग के फुलाद पहुँचने से पहले ज़ोरदार बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। राजस्थान आओगे तो आपको मोर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। वहाँ भी देखिए आप कैसे दो बैठे हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको जो ट्रैक आता है वो दिख रहा है ना, अभी हम लोग इसी लाइन पे बढ़ने वाले हैं। ये आ रहा है मारवाड़ जंक्शन से, और हमारी ट्रेन पहुँच रही है अभी फुलाद जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन डायरेक्शन अपना जो है वो रिवर्स करेगी, लोकोमोटिव अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, और बढ़ जाएंगे वापस हम लोग उस लाइन की। फिफ्टीन का हमारा अराइवल टाइम था फुलाद पे, लेकिन 12:55 पे पहुँचे। अच्छा खासा डिले हो गया, लेकिन यहाँ थे 125 किलोमीटर की जो दूरी है ना वो हम लोगों ने तय कर लिए। पीछे खड़ी अपनी ट्रेन, और यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ उतरी। यहाँ पे लोकोमोटिव जो है अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और रूट भी दिखाया वहाँ पर बढ़ जाएंगे। लेकिन फुलाद का जो मावा है वो बहुत फेमस है, चलिए वो ले लिया जाए सबसे पहले। क्या रेट है भैया मावा? हवा करीब से कुछ यहाँ का ऐसा दिखता है। हमारे अनुरोध भाई वेट कर रहे हैं टेस्ट करने का। चलो भाई ले रखे, अच्छा खासा खाओ पियो एंजॉय करो।
यहाँ पे गया हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो कि आगे की ओर लगाया जाएगा। ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई थी क्योंकि मारवाड़ से मावली की ओर जाने वाली ट्रेन जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था वो यहाँ पे क्रॉस हो रही है कुलाद पे। दूसरी गाड़ी के आते ही हम लोग को भी अब निकाल दिया गया है फुलाद से और हम लोग बढ़ जाएंगे अभी मारवाड़ जंक्शन की ओर। अभी हम लोग इसी लाइन से आए थे दोस्तों और मैंने आपको बताया था ना बढ़ेंगे जिस रूट पे उसी रूट पे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो फाइनली आज पहली बार 150 किलोमीटर के स्ट्रेच में थकान सी फील हो रही है। वैसे मीटर गेज की ट्रेन थी तो समय ज़्यादा लग गया इस रूट पे ट्रैवल करने में। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। और भाई लोग कैसा लगा है सफ़र, पहली बार मानसून में ट्रैवल किया होगा ना यहाँ पे? बिल्कुल, मानसून में तो पहली बार सफ़र किया और इसीलिए शायद अच्छा लगा। अगर ये दोबारा ऐसी गर्मियों में किया होता तो शायद अभी हम लोग एक बार गर्मी में किया है आंसू आ गए थे। अच्छा था पर थोड़ा लंबा था, ज़्यादा लंबा लगने लगा था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे जल्दी ऐसी और बहुत सारी जर्नीज में। और नज़ारे दिखाइएगा ज़रूर, और नज़ारे ज़रूर दिखाएंगे और ऐसे ही भारत के तरह तरह के रूट्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे और आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्टडी द ट्रेन ब्लू है। मिलेंगे ऐसे ही, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।